हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चने की दाल और पालक के साग की ऐसी रेसिपी। यकीन मानो, अगर आपने इस तरह से ये बना हुआ खा लिया ना, या फिर जिसको भी बनाकर ये आपने सब्जी खिला दी, यकीन मानो बिना तारीफ के नहीं रह पाएगा। तो भाई चलिए बनाइए, खाइए रेसिपी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हमने पालक के साग को अच्छे से साफ कर लिया है, धुल लिया है और छोटा छोटा काट लिया है। हमने यहाँ पर लिया है 750 ग्राम पालक का साग लिया है, जिसमें हमने आधा कप चने की दाल और कुछ दाने इसमें उड़द की दाल के भी डाल लिए हैं। आप इसको नहीं डालें कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा डाल लिए हैं। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा आधे छोटे चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करिएगा। तो हमने यहाँ आधा छोटा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और एक बड़ा चम्मच नमक इसमें डालना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हमने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया। अब लाल मिर्च पाउडर के अलावा हमने हरी मिर्च का भी यहाँ यूज़ किया, तो मिर्च थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको डालना है। लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच हमने ली है और साथ में यहाँ दो हरी मिर्च डाली है। साथ में यहाँ थोड़ा सा तेल डाल देना है, ऐसा नहीं कि तेल हमें आगे तड़के में भी यूज़ करना है, बस थोड़ा सा तेल इसमें हम डालेंगे और डाल देना है एक बड़ा कप भर के पानी। मैं आपसे दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चेक कर लीजिए चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस करना नहीं भूलना बेल आइकन लेटेस्ट रेसिपीज़ लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको पालक के साग और दाल की या सिर्फ पालक के साग की और भी रेसिपीज़ देखनी है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, अपलोड की हुई हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। और पानी डाल के इसको हमने अच्छे से मिलाया, कुकर का ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में हमने लगा लेनी है 4 से 5 व्हिसल। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा हमने इसको मत लेना है इस तरह से, और ये जो दाल है ना, जब इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाएगी काफ़ी बढ़िया टेक्सचर आएगा, बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है। एक बार ज़रूर बनाकर इस तरह से ट्राई करिएगा। अब देख लीजिए आप यहाँ पे, अगर हल्का सा भी आपको पनीलापन लग रहा है तो आप इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा और पका लीजिए। जो पानी है वो ऐसा नहीं कि पानी अलग दिखे, दाल और साग अलग दिखे, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। थोड़ा सा इस तरह से आपको मत लेना है, और अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत पानी आपको ज़्यादा है तो हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसको पका लीजिए, पानी को खुश्क कर लीजिए। अब यहाँ जो हम तड़का लगाएंगे, इससे टेस्ट जो है ना चने की दाल और पालक के साग का 2 गुना बढ़ जाएगा। जी हाँ, अब करेंगे क्या तड़के के लिए, हम यहाँ पे एक मीडियम साइज का चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म करेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच हमने जीरा डालना है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हमने यहाँ लहसुन लिया है, एक छोटी प्याज को बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 लाल साबुत मिर्च को पहले तोड़ के डाल देना है। जीरा जैसे ही चटकने लगेगा उसके बाद प्याज डालेंगे और वो लहसुन। प्याज का कलर जैसे यहाँ ब्राउन हुआ, हमने यहाँ पे एक छोटा टमाटर को बारीक काट के डाल देना है। टमाटर के साथ ही थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर इसमें डाल दीजिए, और वैसे हम साग दाल में डाल चुके हैं तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिर्च का थोड़ा तीखा कम लग रहा है तो तीखा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर आप यहाँ पर डाल सकते हो, और इसके साथ में आप पका लीजिए। टमाटर डालने के बाद यहाँ थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और इससे क्या होता है टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। हल्का सा नमक इसमें हमें डालना है क्योंकि हम दाल साग में भी डाल चुके हैं। बस इस तरह से इसको थोड़ा जब सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर, यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसन लिया है 1 टेबल स्पून के करीब, इसको पानी में अच्छे से फेंट कर रख लिया था घोल कर। और उसके बाद ये जैसे ही हम बेसन इसमें डालेंगे पानी में मिला हुआ, तुरंत इसको बहुत स्पीड के साथ में हमें चलाते रहना है जिससे ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये काफ़ी बढ़िया से जब आपका जो बेसन का कच्चापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा करीब 2 मिनट के लिए, इसको हम हाई फ्लेम पे स्पीड से चलाते हुए पकाएंगे। और उसके बाद ये जो हमारा दाल साग है इसमें हम डाल देंगे। दाल साग डालने के बाद यहाँ पे हमने आधा छोटे चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला बाहर का है तो ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, अगर आप घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें डालें थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि घर का जो गरम मसाला पाउडर हम बनाते हैं वो थोड़ा तेज़ होता है। अब यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और भाई ये हमारा दाल साग बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, एक बार ज़रूर बनाएं खाएं। रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।